एक्चुअल में आज विशेष बात यह है, हम क्यों आए हैं आज लाइव। लाइव आने का वजह है, और मैंने पहले लिखा है कि आज ये मुसीबत वाला काम है जो दमन दीव के लिए होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने आज सोचा है कि लाइव हो किया जाए और लोगों को माइक कर किया जाए। मुद्दे तो बहुत सारे हैं दमन में, जब से हमारे नए प्रशासक जी आए हैं उनकी दुआओं से इतने सारे मुद्दे हैं कि इस मुद्दों में दमन दीव के लोगों के आगे ही बढ़ी हुई है। अभी वो बेचारे स्टूडेंटों को मारा, बाजार वाला मुद्दा हो या रोड वाला मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं, पर मैं आज विशेष बात लेके आया हूँ मुसीबत की, महामुसीबत जिसमें दमन दीव अपना अस्तित्व खोने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। तो कौन सी मुसीबत है? अब लोग नवरात्रि के खुमार से जाग गए हो पूरी रात रात नाच कर और आरती कर कर, तो उनको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सिर्फ मुझे जिस प्रकार से जानकारी मिली है 45 दिनों में ऑब्जेक्शन रहने थे, जिसमें से सिर्फ मुझे जिस प्रकार से जानकारी है 20 दिन ही बचे हैं, बराबर है, क्योंकि दमन में PWD दमन द्वारा तारीख 11/9/2018 एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दमन दीव प्रशासन ने निकाला था, बराबर है, PWD/WD/2nd/Division/Dev/2016/14/1426 ये नोटिफिकेशन आया था 11/9 को। आज कौन सा हो गया है, यानी 1.5 महीना लगभग हो गया है, यानी 60 दिन में सिर्फ 15 दिन या 20 दिन बाकी है, ऐसा मुझे किसी ने बताया। कभी वो नोटिफिकेशन तो एक ही पेज का है, वो मैंने पढ़ा है। उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, दमन दीव तो साफ ही हो जाने वाला है, साफ ही हो जाता है ऐसा मुझे लगता है, जिस विशेषज्ञों से मैंने बात की उसमें बनाया गया है स्टेट हाईवे, क्या 4 मापदंड है, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड्स। अब बात मजे की बात, अब ये है कि अब 22.5 स्टेट हाईवे का दिया है, यानी कि स्टेट हाईवे पे अगर कोई रहता हो, किसी की जमीन हो, मकान बनाना चाहता हो, बिल्डिंग बनाना चाहता हो या कुछ भी, तो उनको 40 मीटर रोड की सेंटर से 40 मीटर छोड़ना है। इतनी मतलब कितना, लगभग 133 फुट रोड से सेंटर से 133 फुट उसको छोड़ देना है, बाद में कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिलेगी। नोटिफिकेशन, नया नोटिफिकेशन जो मुझे समझ में आ रहा है उस हिसाब से। चलो अभी तो स्टेट हाईवे, तो अब कौन सा स्टेट हाईवे वो तो किसी को पता नहीं, उसके आगे फिर आते हैं MDR रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, क्या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड मतलब वो भी बताऊंगा कौन से रोड। तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से रोड की सेंटर से कितना, 83 फुट छोड़ने का, 25 मीटर, मान लोगों को लगता है 25 मीटर ही है, 25 मीटर मतलब कि रोड के सेंटर से एक साइड पर 25 मीटर और दूसरी साइड पर 25 मीटर, 25 मीटर मतलब एक तरफ 83 फुट दूसरी तरफ 83 फुट, यानी कम से कम 167 फीट तक कोई रोड के आजू बाजू में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वो है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। अब बचे ODR, कौन से ODR, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। अभी तो लोगों को बहुत मजा आ रहा है, ये क्या हमेश बोल रहा है, अब अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में 15 मीटर, कितना 15 मीटर यानी 50 फुट रोड की सेंटर से एक साइड पर 50 मीटर 50 फुट और दूसरी तरफ 50 फुट यानी 100 फुट, बराबर। अब गांव के शहरी के जो रोड होते हैं उसको बनाया गया है 12 मीटर एक तरफ, 12 मीटर मतलब 40 फुट अप्रोक्सीमेटली, कितना कि रोड की सेंटर से एक तरफ 40 फुट और दूसरी तरफ 40 फुट गांव में,
सेरी में विलेज इस रोड बोले, यानी गांव में 40-40 फुट यानी 80 फुट तक रोड जो है गांव के सेरी के, जो 40 फुट का 40 फुट एक तरफ और दूसरी तरफ 40 फुट यानी 80 फुट तक, 80 फुट तक आप कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे ये बताओ कि गांवों में घर मकान वगैरह बनाया है, एक रोड इस साइड से भी जाता है, एक रोड इस साइड से भी जाता है, बीच में प्लॉट है, तो वो क्या करेगा? 2 गुंथा 3 गुंथा 4 गुंथा जमीन होगी, वो क्या करेगा? ये तो विलेज की बात करो 12 मीटर में, यानी आप लोगों को बताना चाहता हूं मीटर में रोड क्या है। मसाल चौक का रोड आज हमने मापा, जो आज इस प्रेजेंट में रोड है उसका लेंथ व्हाइट लाइन, बीच में व्हाइट लाइन, कॉर्नर पे व्हाइट लाइन और दूसरी साइड पे व्हाइट लाइन, वहां व्हाइट लाइन से व्हाइट लाइन सिर्फ 4 मीटर का रोड है, इतना चौड़ा मसाल चौक वाला जो पातल्या रोड जाता है ना, वो कितना 4 मीटर का रोड। तो गांव में 12 मीटर का रोड चाहिए, मतलब कि ये मसाल चौक वाले जैसे 3 रोड एक साथ बनाए बना छोड़ना। अब ये जगह लाएंगे कहां से, कहां से लाएंगे गांव वाले? अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में तो 15 मीटर यानी मसाल चौक जैसे 4 रोड एक साथ। अब रोड भी कौन से वो बताऊंगा, मगर शेरी मुझे तकलीफ इस बात की है कि शेरियों में आगे भी रोड, इस साइड भी रोड, बचेगा कहां? आज दमन में ये विनाश काका क्या चाहता है मुझे समझ में नहीं आता। ये विनाश काका को कोई पूछो ना भाई, विनाश काका को पूछो कि दमन इतना सारा दीव इतना सा है जिसमें फैक्ट्री वालों को इंडस्ट्रियल जोन, कोस्टगार्ड जिसमें फनल, फिर हाईवे कहा गया, सीआरजेड, फॉरेस्ट जैसे हजारों लफड़े, और उसमें आप ले आए कि गांव में भी एक गरीब आदमी का जैसे वैसे 2-3 गुंथा का प्लॉट है, उसमें वो 80 फुट 40 फुट छोड़ देगा तो क्या बचेगा? और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडों में तो 25-25 मीटर, मेजर रोड डिस्ट्रिक्ट रोड मतलब कि मैं आपको यही बताता हूं, जो ये 3 बत्ती से रोड जाता है सीपेस लेके, पहले ब्रिज था उसको माप कर लोगों ने दिया है, फिर ये मसाल चौक से मसाल चौक वाला रोड भी आता है। मैं सिर्फ अभी आपको सिर्फ दस्तान के लिए बोल रहा हूं, ये 4 रास्ता पड़ता पुलिस स्टेशन में, वहां पर आपको 83 फुट जहां से रोड लगे वहां से सेंटर से 83 फीट अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में 15 मीटर मतलब ये तो हमारा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में 25 मीटर, कितना 25 मीटर का जो 4 रास्ता है वहां पर। तो अभी हमने पुलिस स्टेशन में मापा, पुलिस स्टेशन के 4 रास्ता से हमने पुलिस स्टेशन मापा, तो 25 मीटर पुलिस स्टेशन के पास चला गया, वहां पर जो नई बाजार बनाई उसको नापा था पूरा बाजार, क्योंकि टैक्सी स्टैंड वाले रोड से उधर वापो सीधा तो भी 83 फुट, फिर पुलिस स्टेशन के 4 रास्ता से इधर मापो तो भी 83 फुट, मतलब कोई बिल्डिंग में एक भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ही नहीं रहेगा। वैसे ही हमने मसाल चौक पे मापा, मसाल चौक वाला रोड जो पातल्या वाला है जहां साई कृपा की साई इंपीरियल होटल आई है, वो होटल को हमने उस रोड से मापा तो भी निकल जाता है। और पातल्या बेसोड वाला बेसोड मसाल चौक वाला रोड है उधर से मापो तो भी निकल जाता है। अब उधर से भी 83 फुट छोड़ना है, इस तरफ से भी 83 छोड़ना है, तो कहां बचेगा, कहां बचेगा? तो मेजर रोडों में 83 फुट और ये अदर डिस्ट्रिक्ट रोडों में 15-15 मीटर, यानी कि वहां पर कम से कम नहीं तो 50 फुट। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे कहां? यहां तो 2 गुंठा 3 गुंठा 4 गुंठा वैसे ही इंडस्ट्री का हाल होने वाला है, प्लॉट लेंगे और जो चारों ओर से कटेंगे तो क्या बचेगा? ये इस आदमी के दिमाग में कौन सी राय भर गई है किसी को पता है कि नहीं? कोई तो पूछो उनको कि दमन में गांव में शहरों में कहां जगह है। एक मजे की बात बताओ आपको, हमारा जो कोस्टल हाईवे है, कौन सा कोस्टल हाईवे,
अब कोस्टल हाईवे है 20 मीटर का, कौन सा 20 मीटर का, और ये टैक्सी स्टैंड सुरुचि से जो टैक्सी स्टैंड रोड होकर सिपेस जाता है वो प्रशासन बोल रहा है कि 21 मीटर का बनाएंगे। वो तो हाईवे है, कोई टाउन में ऐसा रोड बनाता है कि इतना चौड़ा? हमें मानता हूं बहुत बाबा आजम के जमाने से रोड की लेंथ ही नहीं बढ़ी, उसको 1 से 2 गुना करते तो अपन मानते, तो वहां तो रोड 6 गुना करना चाहते हैं, वो 6 गुना जमीन आएगी कहां से आएगी? मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में 25 मीटर एक तरफ और दूसरी तरफ 25 मीटर, 50 मीटर मतलब 183 फुट, क्या तोड़फोड़ी कर देनी है? किसी ने मुझे बताया कि अगर 17 मीटर भी लेते, 17.5 मीटर भी है रोड 21 की जगह तो भी कम तोड़फोड़ नहीं होती, मगर इस प्रशासन को बोले तोड़फोड़ ही करनी होगी, इसलिए जानबूझ के 21 मीटर कर रहा है। ये टाउन है, शहर है, उसमें कंस्ट्रक्शन में क्या बचने वाला है? आज तो कंस्ट्रक्शन है मगर कल रिनोवेशन करना होगा, तो ये नोटिफिकेशन के बाद तो नहीं बनेगा। बिल्डर से लेके फैक्ट्री वाले से लेके छोटे घर वाले लोगों को नहीं मिलेगी, और ये भाई के तो मगज में राय भर गई तो ये तो सब तोड़ भी डालेगा। अभी तो हम उस पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से चल रहे थे, मगर ये भाई तो किसकी सुनता कहां है, तो इसको कौन रोकेगा एक बार एक नोटिफिकेशन बन गया तो? और मुझे ये बात पूछनी है कि दमन में इन लोगों ने अभी से ही वो नया नोटिफिकेशन का लिख दिया, क्या लिखा है कि स्टेट हाईवे। अब ये प्रशासन इतना बेवकूफ तो है नहीं, इतना बेवकूफ तो है नहीं कि भाई ये खाली फोकर में स्टेट हाईवे लिख दिया हो। अब एक नेशनल हाईवे तो था ही, अब ये स्टेट हाईवे आ रहा है, तब कौन सा ये दूसरा नाटक करने वाला है प्रशासन, किसको अब ठोकने वाला है? किसी को कुछ पता नहीं है, स्टेट हाईवे कौन सा आने वाला है वो पता नहीं, आड़े धड़ काम चालू। भाई मैं ये पूछना चाहता हूं, पहले तो साईं बाबा वाले पे, साईं वाले बाबा का जो रोड है वहां ब्रिज था, तो पातलिया से होकर पुलिस स्टेशन से लेकर साईं बाबा से लेकर मोटी दमन वाला रोड को आप मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड मानते थे, मगर वो ब्रिज तो रहा नहीं, तो वो कहां का मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड? आज जो नोटिफिकेशन हुआ है नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार से पूरी जानकारी नहीं है। मैंने भी काफी लोगों से बात करने के बाद ही बोल रहा हूं, मुझे भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है भाई साहब, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किए मगर किसी को पास ये पूरी जानकारी नहीं है। अब वो रोड तो ब्रेक हो गया है, ब्रिज ही नहीं है साईं बाबा के पास, तो उसको मेजर रोड डिस्ट्रिक्ट रोड कैसे पुलिस स्टेशन वाला बोल सकते हैं? कोई प्लान नहीं। मैंने जैसे बताया कोस्टल हाईवे का 20 मीटर और वो टैक्सी स्टैंड वाला 21 मीटर बनाना चाहते, एक पेज का नोटिफिकेशन में ये का इतना, इसका इतना, बस यही क्या लिखा है नोटिफिकेशन में? कुछ नहीं। नोटिफिकेशन में लिखा है दिस स्टेट हाईवे 22.5 बिल्डिंग लाइन से 40 मीटर कंट्रोल लाइन 80 मीटर तीनों पर, अब 40 मीटर एक तरफ होता है तो दूसरी तरफ 40 मीटर तो 80 होता है तो 75 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। अरे भाई एक लाइन में कैसे समझ में आएगा, पूरी जानकारी तो दो कि भाई ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कौन से आएंगे, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या पुराना ही है, स्टेट हाईवे कौन सा है, कोई जानकारी भाई? कोई भी नोटिफिकेशन कर रहे थे एटलीस्ट ये जनता के प्रतिनिधियों को तो बुलाओ, तो हमने चुने क्यों है आपको पूछना ही नहीं है? तो कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होता है तो ये काका मस्त कोटी मार के गुजरात से इंजीनियर लाता है, और हमारे किसी प्रतिनिधि को पता नहीं, शहर का डेवलपमेंट किसी को पता नहीं, ग्रामीण का, विलेज पंचायतों का, जिला पंचायत के प्रमुख प्रमुख को कुछ पता नहीं, यही मस्त कोटी मार के पूरी गाड़ी गाड़ी ताम झाम लेके निकल पड़ता है, और बिना अनाप सनाप प्रोजेक्ट बना रहा है, अनाप सनाप प्रोजेक्ट। हमें क्या जरूरत है, दमन दीप के लोगों का कल्चर क्या है तो पूछो तो सही। सिर्फ जिला पंचायत नगर पालिका के प्रेसिडेंट को साथ में रखो, सांसद
पता नहीं वो सांसद भी क्या वो आरती में लगा हुआ है, गरबा नाच रहा है, गरबा बस। कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसमें जाके देखू ना भाई। एक विनाश काका जो चाह वो अपने मन में मर्जी में थोप रहा है। अरे भाई जनता के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो तो जनता की तो राय लो, पूछे बिना ही आप लगे जाते हो तो कैसे चलेगा। कसम से दमन दीव की उस पर मुझे तो शर्म आती है कि कब कब हम लोग जागेंगे, कब हम सुधरेंगे। मैं भी मानता हूं प्लानिंग होती है 10 साल 20 साल 50 साल, ट्रैफिक बढ़ेगा मानते होता है, ट्रैफिक बढ़ता है, रस्तों की चौड़ा होता है, वो भी हम मानते हैं, मना नहीं करे, उसकी व्यवस्थित प्लानिंग होनी चाहिए। ट्रैफिक की कन्वर्ट करना है तो आपने जमपुर से लेके जामनपुर से लेके आए डायरेक्ट आपने काटे काटे पर रोड निकाला, करोड़ों का खर्चा। तो वैसे ही रोड को आप कोलक नदी पे पार्क बनाओ, वो ब्रिज बना के कोलक नदी से ज्वाइन कर लेते तो गुजरात से उस उदवाड़ा से आने वाले लोग वहां से आते तो पीछे पीछे आते और पीछे पीछे निकल जाते। फिर जमपुर से लेके आपने बामनपुर जा परियारी के पीछे का रूट जो नदी किनारे किनारे नदी किनारे किनारे आप जाते और वो बामन पूंजा को टच कर लेते तो बामन पूंजा से जो भी आता तो उस कॉर्नर कॉर्नर से आता। कच्ची गांव में दो दो ब्रिज बनाने की क्या जरूरत थी, ऐसे ब्रिज बनाते, एक ब्रिज ही वहां पर काफी था। मगर प्लानिंग नहीं, किसी को पूछना नहीं है, अपने मन में आया वो कर देना है। बिना सोचे बिना समझे किसी को भी पूछना नहीं है। आज तो ये लोग अभी नोटिफिकेशन बना देंगे, तकलीफ दमनदीप के लोगों को, इनको नहीं है, प्रशासन को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि प्रशासन को तो नियम नहीं लगते। अभी आप देखो दमन में किसी को रोड से वो बनवाने नहीं देते, मगर इन लोगों ने जो दुबई बाजार बनाई वो रोड के सटोसट बनाई और छापरे निकल दिए बाहर। अब कल को हमारे लोगों को ऐसा निकलने देते हैं क्या, वॉयलेंस करने देते हैं नियम का, नगर पालिका करे चले वहां पर जो सर्किट हाउस है उसको भी 6 माले 7 माले बना दिया, उसमें फायर सेफ्टी वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, शेयर जेट की परमिशन कोई नहीं। कि कहने का जोड़ रहा हूं उसके साथ, इसलिए कल को नोटिफिकेशन होता है तो गवर्नमेंट वाले तो बिल्डिंग बना देंगे, मगर हम लोग गरीब लोग नहीं बना पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। MDR रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, अब ये डिस्ट्रिक्ट रोड कौन से है, ODR कौन से रोड है, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप लोगों को पता रहे। MDR रोड कौन सा है, पातलिया बामन पूजा वाया नानी दमन पुलिस स्टेशन रोड, कहां से, पातलिया से मसाल चौक होते हुए 3:32 से लेकर पुलिस स्टेशन से लेकर बामन पूजा तक, यानी जो मैंने अभी बोला जो साईं बाबा वाला ब्रिज था तब का था MDR रोड, तब उसको बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, नहीं, मगर वो MDR रोड है, यानी वहां से MDR रोड लगेगा। मोटी दमन अंबावाड़ी से जरी कोसवे, मोटी दमन अंबावाड़ी से जरी कोसवे वाया थानापाटी वाला रोड, पातलिया वाला तो ये हो गया, मोटी दमन अंबावाड़ी जरी कोसवे वाला वो भी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। नानी दमन मार्केट 4 रस्ता से लेके डबल वाला रोड, यानी टैक्सी स्टैंड वाला जो टैक्सी स्टैंड से जो रोड निकलता है सुरुचू से लेके डेल्टिन होटल से लेके जो डबल निकलता है वो पूरा रोड चेक पोस्ट मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। नानी दमन जंक्शन से डाबेल कच्चीगाम वाया कच्चीगाम 4 रस्ता सोमनाथ मंदिर वाला वो भी मेजर डिस्ट्रिक्ट। नानी दमन बेसोर से गुजरात कुंदा यानी मसाल चौक वाला जो रोड बेसोर से निकलता है और गुजरात को जोड़ता है वो भी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ये सब रोड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है और उसको कितना, ये रोड पर किसी के भी घर आए हो, मकान आए हो, फैक्ट्री आए हो तो अब वहां रोड के सेंटर से 25 मीटर यानी 83 फीट एक रोड के बाजू में कोई बांध नहीं सकता, इस नोटिफिकेशन में मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। और वैसे ही रोड के दूसरी तरफ से रोड के सेंटर से दूसरी तरफ भी 83 फुट तक बंद काम नहीं, या तो प्रशासन पहले मीटिंग करके समझाते तो। कहने का मतलब है ये पातलिया बामन पूंजा मोटी दबामाबाड़ी ये वाला जितने भी मैंने रोड बोले उस पर 25-25 मीटर रोड के सेंटर से एक एक बाजू छोड़ना,
बराबर है, यानी 25 मीटर इतने आपको मैंने 83 फीट बोला, उतना छोड़ने का है किसी का घर 83 फीट मतलब कहां से कहां किसी का भी घर नहीं बचेगा। अब ओडीआर, ओडीआर मतलब कौन से है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, जिसमें नानी दमन 332 से देखा कड़िया से लेकर बिम्पोर, यानी 332 से देखा बीच होकर जो रोड निकलता है हमारा इस तरह कड़िया माछीवाड़ से लेकर बिम्पोर चार रास्ता वाला वो रोड ओडीआर। डोलर जमपुर से मोटी दमन वाला, डोलर से लेकर जो जमपुर वाला रोड है वो रोड। वरकुंड डाबेल कच्चीगाम चार रास्ता, एटले वरकुंड का जो रोड है जो डाबेल रोड से कच्चीगाम चार रास्ता होता है वो भी ओडीआर। दलवाड़ा दमन पातल्या देवका ताईवाड़ मांगेलवाड़, दलवाड़ा से सत्यसागर उद्यान से जो देवका ताईवाड़ मांगेलवाड़ वो सब रास्ता निकलता है वो भी किसमें ओडीआर में। बिम्पो चार रास्ता से मोटी वाकड़, यानी कि हम बोले कि बिम्पो चार रास्ता से वो सुखा भाई का जो शोरूम आता है वो उससे अंदर मोटी दमन मोटी वाकड़ जाते हैं, वो मोटी वाकड़ पांचाल इंडस्ट्री से लेकर फिर से पातल्या जाना है वहां तक भी ओडीआर। कहने का मतलब है ये सारे रोड पे कितना कितना 50-50 फुट, रोड की सेंटर से 50 फीट उधर और दूसरा 50 फीट उस रास्ते के उधर, यानी 100 फीट ओडीआर। और मैंने जितने मोटी दमन के बोले भी जी मैम दिया उसमें तो 167 फुट तक कुछ नहीं, 167 और बाकी बचे, बाकी जितने भी डामर मेरे हिसाब से जहां डामर सरकार द्वारा डाला जाता है रोडों में सरकार द्वारा वो विलायत पंचायत रोड होते हैं। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए, किसी को मैंने आज बोला पूछा किसी को कि भाई स्ट्रीट नहीं लिखा शेरी नहीं लिखी तो क्या करना चाहिए, बोलते शेरी से कोई लेना देना विलेज रोड मतलब ये सारे आ जाते हैं, ऐसा मुझे समझाया। अगर प्रशासन को उसमें क्लियरिटी करनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ भाई ये जो सारी बातें की है वो मैंने मेरी समझ के हिसाब से कही, वो क्योंकि एक नोटिफिकेशन में एक कागज के हिसाब से इतना ही समझ में आता है तो उस हिसाब से। अब सांसद हर सदस्य जिला पंचायत प्रमुख जिला पंचायत के नगर पालिका के प्रमुख जिला पंचायत के सदस्य नगर पालिका के सदस्य पंचायत के सरपंच पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट समाज के आगेवानों को आगे बढ़कर विरोध करना चाहिए। अभी भी इसी दिन है, नोटिफिकेशन हो जाने के बाद कुछ नहीं बचेगा, ग्रामीण ग्राम पंचायत जिला पंचायत और डीएमसी को ठहराव करके इसका विरोध करना चाहिए। हो सके तो सबको पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के एक साथ होकर मीटिंग करके इस बात का खंडन विरोध करना चाहिए, प्रशासन के पास जाना चाहिए कि भाई ये जो कर रहे हैं उसको पहले हमें समझ दो और सबको ठहराव रिजोल्यूशन पास करके प्रशासन का ये तुगलक फरमान का विरोध करना ही होगा। मुझे काफी लोगों ने बोला कि प्रशासन का तेरे पीछे लगा है, तुझे तड़ी पर करना चाहता है, तुझे पासा में डाल देगा, तुझे चुनाव नहीं लड़ने देगा। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूं मैं इतना महत्वाकांक्षी नहीं हूं कि मुझे सांसद बनना ही इसलिए मैं चुप हो जाऊंगा, ये मैं इतना महत्वाकांक्षी इसलिए भी नहीं हूं कि मुझे पद के बिना नहीं रहा जाता, मुझे चुनाव लड़ना नहीं लड़ना मैं तो जेल में से भी लड़ूंगा, मगर मैं अपनी महत्वाकांक्षा के लिए मैं दमनदीव वासियों के साथ होते अन्याय में कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा और दमनदीप के लोगों को भी जागना पड़ेगा। ये सांसद जी का काम आरती करने के लिए ही मत बुलाओ, बराबर है, और जिला पंचायत प्रदेश प्रमुख और ये सब ये पांडालों में दौड़ने के लिए नहीं है, ये पार्टी के पीछे धूम हलाने वाले नहीं होने चाहिए, उनको बोलना होगा, इनको जवाब देनी दी होगी, बोलना होगा भाई साहब ऐसे मत करो, सब काम उन्हें पे मत डालो भाई, बराबर है, और सबको अपना अपना दायित्व संभालना होगा, पब्लिक को अब तो बोलना होगा क्योंकि अपना अस्तित्व खतरे में है भाई साहब। और मैं इस मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूं, आप मुझे तड़ी पार करो पासा में डालो मुझे कोई डर नहीं है, मैं दमनदीव की जनता के लिए फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूं, मुझे सांसद बनने के लिए ये मैं चुप बैठ जाऊं घर पे बैठ जाऊं और चुनाव लड़के ही मैं सांसद बन जाऊं वो महत्वाकांक्षा मुझे नहीं है, मुझे सांसद बनने के लिए मेरे एथिक्स को गला नहीं घोट सकता, तो मैं तो लड़ूंगा पुरजोर विरोध करूंगा और लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस बात पर बाहर निकलिएगा। हाँ ये पार्टी हमारे घर खाना देने नहीं आने वाली, ये भाजपा हो या कांग्रेस हो वो हमारा पेट नहीं भरेगी और जनता को आगे बढ़कर
इसका विरोध करना होगा इस चीज का। और शायद दीव वाले को भी ले भी बोलता हूँ, दीव का तो दमन से बुरा हाल हो सकता है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि दमन में, दमन तो थोड़ा बड़ा है दीव के ज्योग्राफिक से, ऐसे तो छोटे ही है दोनों, पर दमन दीव से कंपेयर में बड़ा है। पर दमन में कितने एमबीआर है? 6। तो दीव में एमबीआर रोड कितने हैं? 10। इतने प्रदेश में 10 एमबीआर रोड है। दमन में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ओडीआर 5 है, तो दीव में कितने? 7। उसके हिसाब से तो पूरा दीव, ऐसा नोटिफिकेशन में लग रहा है। भाई और बहनों, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि ये नोटिफिकेशन आप लोग पढ़िए, विशेषज्ञों से मिलिए, प्रशासन से मिलिए, हमारे सांसद जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्रशासक के पास जाइए और पूरी जानकारी ले लीजिए। मुझे इसमें पूरी पूरी जानकारी नहीं है, और हो सकता है मैं इसमें गफलत भी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे नॉलेज इस बात का पूर्ण नहीं है। मैंने जो समझ में आया, मैंने जो लोगों से समझा, वो मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है मेरी बात में भाई 19-20 हो सकता है, क्योंकि किसी को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है, और प्रशासन ने ऐसी जानकारी रखी नहीं है। ना तो प्रशासन को यह करना चाहिए था कि बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं आप, तो इस बात पर भी आपको होर्डिंग लगाना चाहिए, पेपरों में एडवर्टाइजमेंट देनी चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, क्यों ये रोड इतने पौड़े चौड़े चाहिए, क्या आपको ऐसा करना है, 50 साल में हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ने वाली है, हम आप प्रशासन चाहता क्या है। तो एक प्रजा मीटिंग भी बुला सकते थे, पब्लिक मीटिंग, जिसमें सांसद से लेकर जिला पंचायत के, पंचायत नगर पालिका सबके बुलाते और सबको जागरूक जानकारी देते। चलो मिसको तो नहीं बुलाते, मगर लोगों को बुला देते, लोगों को जानकारी देते शायद। तो ये कंफ्यूजन भी, मुझे कंफ्यूजन है, वैसा सबको कंफ्यूजन है। और ये कंफ्यूजन अगर हकीकत बन गया, तो अगर जो मैं समझा हूं वही चीजें होने वाली हो, तो फिर हम क्या करेंगे, कौन बचाएगा हमें? बराबर है। तो मैं तो लास्ट 7 दिन से लोगों से मिल रहा था नोटिफिकेशन के बाबत में, जितने आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर उनसे मिला कि भाई इसमें आप लोगों को समझ में आता हो तो बताइए, काफ़ी विशेषज्ञ इंजीनियरों से भी मिला, फिर जाके मुझे जितना समझ में आया लोगों के पास बोल रहा हूँ। प्रशासन की हर बार की मनमानी चला नहीं लेनी चाहिए, किसी भी प्रकार की मनमानी करे तो हम लोग बर्दाश्त करते आए तो आज ये सुपड़ा साफ हो रहा है। तो प्रशासन के सामने ये नोटिफिकेशन के बाबत में चुप ना हो, सिर्फ 20 दिन बचे हैं कि हर कोई बोलो, कोर्ट भी नहीं बचा पाएगी। अगर ये नोटिफिकेशन हो गया और ये विनाश काका लग गया, उसको तो क्या है, बंदर के हाथ में तलवार, वैसा हाल है। और जब भी बंदर को दारू पिला दो, बाद में हथियार दो, वैसा हाल मुझे तो दिखता है। तो आप लोग जाके, सीआरजेड में भी ऐसा ही हुआ, सीआरजेड में हम लोग कलेक्टर माननीय संदीप कुमार के पास गए थे, कलेक्टर को हम मुल के बात की कि सर ये सीआरजेड की मैटर में हमें समझ में नहीं आ रहा, पब्लिक मीटिंग बुलाई जाए, हमें समझाओ इस नोटिफिकेशन में क्या है। कलेक्टर ने हमें इंश्योर किया, बड़े होश हवास में बोल रहा हूं, कलेक्टर साहब संदीप कुमार जी ने हमें विश्वास दिलाया कि मैं मीटिंग रखूंगा, नहीं रखी मीटिंग। और चुपके चुपके ये सब क्यों किया जा रहा है कुछ पता नहीं, ये नोटिफिकेशन चुपके चुपके क्यों नेट पे डाल दिया जाता है, क्यों जाहिरात नहीं दी जाती है, किसी को कुछ पता है? बराबर है। मेरे लिए तो मस्त बैठे हुए पुलिस वाले, 1-2 एफआईआर करने के लिए, इसमें भी एफआईआर करेंगे, करो तड़ीपार करो, पासा लगाओ, जनता हित के लिए आप लोग कुछ भी करो, मुझे मैं ये कोई फर्क नहीं। बराबर है। अब सीआरजेड में तो साफ हो गया है हम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब प्रशासन ये नोटिफिकेशन को पूरा अमल कर दे, अमली जामा पहना दे, लागू कर दे, उससे पहले थोड़ा सचेत होकर अपने अपने पार्टी के आका के पास जाके, और पार्टी वाले अपने आका के पास जाके इस पर क्लियर बातें करें, और जरूरत पड़े तो विरोध करें, बस यही कहना है। और लोग भी जाग जाए, चुपचाप ना बैठे, ऐसा कह रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं, तू भी चुप हो जा, तुझे भी फीट कर देंगे प्रशासन। तो उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती के साथ कह रहा हूँ कि उमेश पटेल नहीं चुप रहेगा। और दोस्त अभी तो थाकी ही हो, आ गुजराती में गए भाई, जागो नहीं दोस्त है, आ
કેટલાક વાર આ ઉમેશના ખભા પર ભાભી બનાવી મૂકવાના દોસ્ત. હ જાગી જાઓ જાગી જાઓ, મેં તો બીજું કઈ નહીં, મરી જવાના સાપ એવું મને તો લાગે બરાબર. મેં 500 ને 1000 નું ખાવા પીવાનું બંધ કરી લાગ્યું ભાઈ બરાબર. આપણે તો નાચવા જોઈએ, કૂદેવા જોઈએ, આરતી કરવા જોઈએ બરાબર. ચાલો હવે તમે ખાઈ પીને રવિવાર છે મસ્ત હોઈ જાઓ બરાબર. ધન્યવાદ, થેન્ક યુ.